फरिश्ता तो सभी का प्यारा होता है। हरे कहे मेरा अपनापन, ऐसी फरिश्ताई अवस्था में दो चीजें बिघन डालती हैं, एक तो देहभान, उसका तो सबको नेचुरल अनुभव है, 63 जन्म का अनुभव है, देवान फिर प्रकट हो जाता है। और दूसरा है अभिमान। ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वो अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, जो भी कोई विशेषता है उस विशेषता के कारण देह अभिमान आता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के प्रति भी, उनकी गुण और कला या विशेषता के प्रति भी प्यार हो जाता है। लेकिन सोचो कि याद कौन आएगा, बाबा। अच्छा, किसी की विशेषता को देख करके बाबा याद आएगा, ज्ञान से बाबा देहधारी ही याद आएगा ना, देवान ही याद आएगा, फलाने की बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ये अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो ये भी चेक करना है, और अभिमान वाले को भी अभिमान है इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपनापन न दिया या थोड़ा अपमान किया, उसके विचार का, उनकी राय का, उनकी कला का, उनकी हैंडलिंग का अगर अपमान किया तो उनको बहुत जल्दी महसूस होने लगेगा। और अपमान महसूस हुआ उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा हो जाता है, रोब आ जाता है। ये सब बातें फरिश्ता बनने नहीं देती। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। उस फरिश्ताई स्वरूप को साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से यह शरीर ही बनना बहुत सहज हो जाएगा।